कोरोना वायरस का स्वागत किया गया दिल्ली के संजय कॉलोनी भाटी माइंस में। यहाँ पर RWA आशा लता व छठ पूजा समिति संजय कॉलोनी भाटी माइंस की तरफ से दिल्ली पुलिस व सिविल डिफेंस में कार्यरत जो भी जवान थे उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। सभी को फूल दिया गया और साथ ही साथ मिठाई खिलाई गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के संजय कॉलोनी भाटी माइंस की, जहाँ पर RWA आशा लता व छठ पूजा समिति की तरफ से ये आयोजन किया गया, जहाँ पर कोरोना के जो वायरस हैं जो अहम भूमिका निभा रहे हैं उनका स्वागत किया गया, उनकी हौसला अफजाई करी गई। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ सिविल डिफेंस में तैनात जो लोग हैं उन सभी का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए स्थानीय लोग और RWA और आपको बता दें छठ पूजा समिति, पूर्वांचल छठ पूजा समिति की तरफ से ये पूरा स्वागत कार्यक्रम किया गया है, जहाँ पर ये देखिए किस तरीके से स्कूल के अंदर जो सभी का स्वागत किया गया है, उनकी हौसला अफजाई करी गई, क्योंकि कोरोना वायरस की असल जो भूमिका है वो यही निभा रहे हैं। और लॉकडाउन जिस तरीके से चल रहा है, 3 मई तक लॉकडाउन है और उसके आगे भी लॉकडाउन बढ़ता है, तब भी इनकी भूमिका अहम रहेगी और लगातार लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंचाने का जो काम है दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो कर रहे हैं, उन्हीं का हौसला अफजाई करने के लिए ये संजय कॉलोनी भाटी माइंस में RWA आशा लता व छठ पूजा समिति की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन सभी लोगों का मनोबल बढ़ाया गया। तस्वीरें देखिए किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इनका मनोबल बढ़ाना ही जो है वही हमारा कर्तव्य है और लॉकडाउन का पालन लगातार सभी लोग करें, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो आप जो उपाय बताए गए उन उपायों को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोरोना को मात दी जाएगी। और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश को लॉकडाउन किया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से संजय कॉलोनी भाटी माइंस में RWA की तरफ से और छठ पूजा समिति की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया, जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और छठ सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, सभी को फूल दिया जा रहा है और मिठाई खिलाकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। Oh,